एसेट के अमित जेसवानी ने हमसे खास बातचीत में कहा कि सरकार के इंफ्रा पर फोकस से रेलवे शहरों को काफी फायदा होगा। दो साल पहले देखते थे रेलवे कंपनी सब डिविडेंड यील्ड के कारण आप रेलवे कंपनीज लेते थे, बी इट IRFC, बी इट RVNL। अब वो डिविडेंड यील्ड की बात नहीं रही है, दीज आर नाउ ग्रोथ स्टॉक्स, मार्केट्स द वैल्यूएशंस। जैसे अगर आप IRFC देखिए, उनको तो HDFC बैंक से भी हायर प्राइस टू बुक मिलता है। HDFC अब 2.5 times प्राइस टू बुक पे चलता है, बट IRFC का जो प्राइस टू बुक है दैट इज क्लोजर टू 4 times। तो आज कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक सरकारी कंपनी को प्राइस टू बुक विल बी क्लोजर टू 4 times। इट्स अ लेंडिंग कंपनी जो रेलवे को लोन देती है IRFC। व्हेन यू लुक एट RVNL और जो भी रेलवे की कंपनीज है, दे आर नाउ गेटिंग डिसेंटली हाई वैल्यूएशंस। बाजार को मालूम है कि ये सरकार का जो फोकस है वो रेलवेज है। द अमाउंट ऑफ केपेक्स दैट इज हैपनिंग इन रेलवेज डिफेंस, ये एक माइंड ब्लोइंग नंबर है। हम 3.5 lakh crore का केपेक्स करते थे 2020 में, और ये साल जो बजटेड है वो 11 lakh crore है। सो यू हैव सीन अ 3x राइज इन केपेक्स इन 4 years। और इतना बड़ा केपेक्स, एंड अगर आप 2014 से लेकर 2020 देखिए, वो 6 साल का पीरियड जितना आप केपेक्स अब 1 साल में करने वाले हो। सो द साइज ऑफ केपेक्स जो गवर्नमेंट कर रही है वो एक अनथिंकेबल काइंड ऑफ नंबर्स है जो इंडिया में, जो हिंदुस्तान में हो रहा है। सो रेलवे स्टॉक शुड डू ओके। ये हमारा बॉटम बनता रहता है, दैट वैल्यूएशंस विल, इट्स नॉट लाइक ये कोई फ्लाई बाय नाइट काइंड ऑफ ऑपरेशंस नहीं होने वाली है। ऑफ कोर्स द क्वालिटी ऑफ बिजनेसेस आर वीकर, क्योंकि रेलवे वाली जो कंपनीज होती है उनका तो एक कस्टमर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आपको वो सब देखना रहता है दैट मार्जिन्स, जो हाई मार्जिन्स है वो सस्टेन होंगे कि नहीं होंगे। ऑल दीज कंपनीज इन रेलवेज आर नाउ वेल कैपिटलाइज्ड, कॉम्पिटिशन भी हाई है अभी, क्योंकि पहले तो सब बैंकरप्ट थे, अचानक से अब सबको ऑर्डर मिल गया, छोटी छोटी रेल कंपनीज भी आ गई। आई वुड से राइट नाउ जिस हिसाब से लोग नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, नया आई बिलीव कल पॉलिसी बाजार के नंबर बहुत मुझे अच्छे लगे। ऑल दीज आर नॉट रिकमेंडेशंस, मैं मेरे क्लाइंट्स, मेरे परिवार का इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है। हम एक सेबी रजिस्टर्ड PMS है, हम बाय सेल पूरा टाइम करते रहते हैं। बट आई लाइक कैपिटल मार्केट्स में, एंजल वन मेरा फेवरेट है। आई थिंक जिस वो 25 lakh कस्टमर लास्ट क्वार्टर ऐड किए कर रहे थे, इफ यू सी जो हमारा हिसाब है, जो वॉल्यूम डेटा इंडिकेट कर रहा है, जो BSE, NSE, MCX का सब मिला के, तो जो 5 तारीख को MCX का एंजल का नंबर आएगा, तो 60-70% टाइप ऑफ ऑर्डर का एवरी मंथ एंजल का मंथली ऑर्डर ग्रो का डेटा आता है। तो हम एक जो डेली डेटा एक्सचेंजेस में रिलीज होता है उसके हिसाब से हम आपको बोल सकते हैं दैट द ग्रोथ ऑफ ऑर्डर्स ऑफ एंजल शुड बी 60-70%। सो दिस ईयर एंजल शुड मेक अबाउट 1,100-1,150 crore ऑफ प्रॉफिट्स, नेक्स्ट ईयर 1,600 crore के प्रॉफिट करेगा। आज मार्केट कैप 25,000 crore है, तो